नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं अपरा समाचार। मैं हूं आपके साथ में दिनेश। राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर तहसील के डोकवा निवासी भारतीय सेना के 23/4 रेजिमेंट के 33 वर्षीय हवलदार तेजवीर सिंह दिंदवाल का आज पार्थिव उनके पैतृक गांव पहुंचा। पार्थिव पैतृक गांव पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। हजारों की तादाद में युवाओं का जोश और जुनून देखने लायक था। वहीं सेना के विशेष वाहन से उनके पार्थिव को राजगढ़ से उनके पैतृक गांव डोकवा लाया गया। साथ में सेना की टुकड़ी भी मौजूद थी। शहीद को मैं अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक ना बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते। शहीद तेजवीर सिंह को अपने शब्दों के माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त करें। शहीद तेजवीर सिंह भारतीय सेना में 2007 में भर्ती हुए थे। फिलहाल उनकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश के टेंगा में थी, वहीं वो कार्यरत थे। आपको बता दें कि शहीद तेजवीर सिंह के 2 बच्चियां हैं और शहीद के पिताजी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हवलदार हैं। राजस्थान के सचिन पायलट ने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से शोक संतप्त कर परिजनों को संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। वहीं तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सैन्य के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अल सुबह उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचा और वहीं से उन्हें अंतिम तिरंगा यात्रा के साथ में अंत्येष्टि स्थान लाया गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।